हेलो दोस्तों, मैं अनुरोध यादव निर्णय एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग भारत की भौगोलिक स्थिति के विषय में चर्चा कर रहे थे दोस्तों, इसके दूसरे वीडियो में हम लोग आपका पार्ट वन हो चुका है, यह पार्ट टू है। ठीक है दोस्तों, तो पार्ट टू के अंतर्गत हम लोग अब देखेंगे कि भारत के पड़ोसी देशों के कौन कौन से हैं, कितनी लंबाई है, उनकी चर्चा करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, सात देश हैं। तो पहले हम लोग लेंगे किसके, पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान के साथ चार राज्य पहले लगते थे। कितने राज्यों की सीमा लगती थी दोस्तों? चार राज्यों की लगती थी, लेकिन वर्तमान समय में आपको पता है कि अनुच्छेद 370 समाप्त करके जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया है। और जो नया मैप आया दोस्तों, उसके अनुसार दोनों केंद्र शासित प्रदेश की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है। तो ध्यान रखिएगा, आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि भारत का कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जिसके साथ भारत के दो केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है? तो वह देश होगा कौन सा? पाकिस्तान होगा। और पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, और इस सीमा का नाम क्या है? रेड क्लिफ सीमा। क्या नाम है? रेड क्लिफ सीमा है। चलिए दोस्तों, दूसरा अफगानिस्तान कौन सा है? अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान के साथ दोस्तों ध्यान रखिएगा, केवल और केवल लद्दाख की सीमा लगती है। किसकी? लद्दाख की सीमा लगती है। और अफगानिस्तान के साथ कितनी लंबी सीमा? 107 किलोमीटर लंबी सीमा। और इस सीमा को किसके नाम से? तो डूरंड लाइन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? डूरंड लाइन के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर लगती है, और यह क्षेत्र जो है दोस्तों किसके पास है? तो पाकिस्तान के पास है। किसके पास है? पाकिस्तान के पास है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान संदर्भ में भारत के साथ किस पड़ोसी देश की साथ सीमा स्पर्श नहीं करती है, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा अफगानिस्तान। कारण क्या है दोस्तों? कि यहां से इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो यह क्षेत्र किसके पास है? तो पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान के पास होने के साथ भले ही हमारा पड़ोसी देश है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा भाग है तो हम मानते हैं, लेकिन अगर वर्तमान संदर्भ में पूछेगा तो अफगानिस्तान की सीमा भारतीय क्षेत्र को स्पर्श नहीं करती है। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ अफगानिस्तान के साथ जो सीमा लग रही है, यह भारत के साथ सबसे छोटी सीमा भी है। कौन सी है? सबसे छोटी सीमा भी बनाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ बनती है, तो आंसर होगा अफगानिस्तान के साथ। तीसरा देश है चीन। चीन, तो ध्यान दीजिएगा, चीन के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो चीन के साथ पहला हो गया लद्दाख। लद्दाख, लद्दाख का दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा है आपका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तीसरा है आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड। चौथा है आपका सिक्किम, सिक्किम। और पांचवा है अरुणाचल प्रदेश। क्या है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश है। और इसके साथ जो सीमा लगती है उसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? तो इसकी लंबाई है 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर है। और इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है, यह सेकंड लार्जेस्ट बाउंड्री लग रही है, यानी दूसरे नंबर की सबसे लंबी सीमा है। तो आपसे पूछा जाएगा कि दूसरी सबसे लंबी सीमा भारत किस देश के साथ बनाता है? तो चाइना के साथ। और इस सीमा रेखा को मैकमोहन के नाम से जाना जाता है। मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों? मैकमोहन के नाम से। अब यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर इस प्रकार से कुछ मैप बनाया गया है। यहां पर यह जम्मू कश्मीर है, और बाकी यह पूरा का पूरा पोर्शन क्या है? लद्दाख है। तो लद्दाख यह पूरा जम्मू कश्मीर चीन के साथ, और यहां हिमाचल प्रदेश, यहां उत्तराखंड, यहां सिक्किम, यहां अरुणाचल प्रदेश किसके साथ लग रही है? चीन के साथ लग रही है। ठीक है दोस्तों, तो चीन के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश, जबकि अफगानिस्तान के साथ केवल केंद्र शासित प्रदेश, और पाकिस्तान के साथ दो केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लग रही है। चलते हैं दोस्तों अगले हमारे पड़ोसी देश के साथ। ठीक है, समझ में आ रहा है?
अगला देश है आपका नेपाल। नेपाल नेपाल की बात करें दोस्तों, तो यहां पर आप देख रहे हैं नेपाल चौथा जो हमारा पड़ोसी देश है वह है नेपाल। नेपाल के साथ कितने राज्यों की, तो नेपाल के साथ पहला हो गया उत्तराखंड, उत्तराखंड। दूसरा हो गया उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तीसरा हो गया आपका बिहार, बिहार। चौथा हो गया पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। और पांचवा आपका हो गया सिक्किम। यानी कितने राज्यों की सीमा लगती है, पांच राज्यों की सीमा लगती है दोस्तों। और लंबाई कितनी है, तो 1751 किलोमीटर है। और इस सीमा को हम मैत्री सीमा के नाम से जानते हैं। जो इसकी बाउंड्री है किसके नाम से जानते हैं, मित्र सीमा या मैत्री सीमा। मित्र सीमा लिखेंगे ज्यादा बेहतर होगा, मित्र सीमा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, मित्र सीमा के नाम से। ठीक है दोस्तों, तो अगला चलते हैं पांचवें नंबर पे, किसको लेते हैं, भूटान। भूटान यहां पर आपने देखा है, यह जो है क्या है, यह जो है उत्तराखंड है, यहां उत्तर प्रदेश, यहां बिहार, और यह क्षेत्र जाकर के पश्चिम बंगाल, और यह जो है सिक्किम हो जाता है। अब आते हैं भूटान। भूटान में पहला जो राज्य है स्पर्श कर रहा है वह कौन सा है, वह है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल सिक्किम असम अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और असम, असम। यह चार राज्य है दोस्तों। और सीमा की लंबाई 1898 किलोमीटर है। और इस सीमा को भी किसके नाम से, मित्र सीमा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो मित्र सीमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से, तो मित्र सीमा के नाम से जाना जाता है। कितनी लंबाई है, 698 किलोमीटर। अगला है दोस्तों छठवां, म्यांमार। क्या है, म्यांमार। और म्यांमार के साथ जो लग रही है सीमा, पहले नंबर पे है आपका अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। दूसरे नंबर पे है नागालैंड, नागालैंड। तीसरे नंबर पे है मणिपुर। और चौथे नंबर पे है मिजोरम, मिजोरम। और इन चार राज्यों की सीमा किसके साथ लग रही है, तीन चार राज्यों की सीमा आपके म्यांमार के साथ लग रही है। और लंबाई है 1643 किलोमीटर। और दोस्तों इसकी सीमा को कोई भी नाम नहीं दिया गया है। ठीक है, तो चार राज्यों की सीमा किसके साथ लग रही है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के, तो वह लग रही है म्यांमार के साथ। किसके साथ, म्यांमार के साथ। अगला है आपका लास्ट, लास्ट है आपका बांग्लादेश। कौन सा है, बांग्लादेश। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश के साथ किन राज्यों की सीमा लग रही है, तो पहला है आपका पश्चिम बंगाल। कौन सा है, पश्चिम बंगाल। दूसरा है असम, दूसरा है असम। तीसरा है मेघालय, मेघालय। चौथा है त्रिपुरा। और पांचवा है मिजोरम, मिजोरम। इन पांच राज्यों की सीमा किसके साथ, तो लगती है बांग्लादेश के साथ। किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। और लंबाई कितनी है, 4096.7 किलोमीटर। और भारत के साथ लगने वाली सबसे लंबी सीमा है। सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है भारत की, तो सबसे लंबी सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ। दूसरे नंबर पे लगती है किसके साथ, चीन के साथ। सबसे छोटी सीमा बनती है किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ। ठीक है दोस्तों, यहां तक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगला है, अब बात करते हैं कि आखिर जो सात पड़ोसी देश थे इनके साथ भारत के कुल कितने राज्य लगते हैं, कुल कितने राज्य जो स्पर्श करते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, पहले राज्यों की संख्या कितनी थी, तो 17 थी। कितनी थी, 17 थी। और अब कितनी हो गई, अब 16 हो गई। और दो उसमें केंद्र शासित प्रदेश ऐड हो गए।
ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी पहले ये प्रदेश था, लेकिन अब वह किसमें कन्वर्ट हो गया, वह कन्वर्ट हो गया केंद्र शासित प्रदेश में। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां पर अगर हम बात करें तो बांग्लादेश, बांग्लादेश प्लस त्रिपुरा के मध्य, त्रिपुरा के मध्य की सीमा रेखा को शून्य लाइन या जीरो लाइन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? जीरो लाइन के नाम से जाना जाता है। और त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से क्या है, तीन तरफ से घिरा हुआ है, तीन तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। पहले जो है सात पड़ोसी देश के साथ 17 राज्यों की सीमा लगती थी दोस्तों, लेकिन अब इसमें से जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन कर इसे दो केंद्र शासित प्रदेश में डिवाइड कर दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। इसलिए अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो स्थलीय पड़ोसी देशों के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा 16 राज्य प्लस दो केंद्र शासित प्रदेश, दो केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है। क्लियर हुआ? चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, जो यह जलीय क्षेत्र है, जलीय क्षेत्र में हम दो भागों में इसे बांट देंगे, एक पश्चिमी तट होगा अरब सागर का और पूर्वी तट होगा बंगाल की खाड़ी, पूर्वी तट होगा बंगाल की खाड़ी। अब बात करते हैं कि आखिर अरब सागर के कितने राज्य हैं जिनकी तटीय सीमा स्पर्श करती है और कितने की जो है बंगाल की खाड़ी के साथ। तो दोस्तों यहां पर भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, यहां पर भी हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं कि कितने राज्य हैं और तटीय सीमा को भी देखते हुए चलने का प्रयास करेंगे। चलिए पहला है पश्चिमी तट पर स्थित राज्य, पश्चिमी तट पर स्थित राज्य या अरब सागर से लग्न, अरब सागर को स्पर्श करने वाले राज्य, स्पर्श करने वाले राज्य। तो दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें तो यहां मैप से देखेंगे तो बहुत बेहतर ढंग से समझ में आएगा, यह है गुजरात, यहां पर है महाराष्ट्र, यहां है गोवा, यहां है कर्नाटक और यहां है केरल। ठीक दोस्तों, तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पांच राज्य हैं। पहला कौन सा है? पहला है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, तीसरा है आपका गोवा, चौथा है कर्नाटक और पांचवा है आपका कौन सा, केरल। तो यह पांच ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा किससे लग रही है, पश्चिमी तट पर स्थित है या तो अरब सागर को स्पर्श कर रही है। अगर इसमें दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य, तो सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात की है। सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है? गुजरात की है और यह है 1214 किलोमीटर, लगभग कितनी है, 1214 किलोमीटर है। वैसे अगर देखा जाए एग्जैक्ट जो है दोस्तों तो 1214.7 किलोमीटर है। ठीक है, तो सबसे लंबी तटीय सीमा अगर राज्यों की पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा, आपका गुजरात हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी राज्यों में, तो सबसे छोटी सीमा किसकी है, तो सबसे छोटी तटीय सीमा किसकी है, तो गोवा की है। किसकी है? गोवा की है, जो लगभग 151 किलोमीटर है। कितनी है? 151 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं पूर्वी तट पर स्थित राज्य या बंगाल की खाड़ी को स्पर्श करने वाले राज्य। तो ध्यान रखिएगा अगला जो होगा, पूर्वी तट पर स्थित राज्य, तट पर स्थित राज्य या बंगाल की खाड़ी को, बंगाल की खाड़ी को स्पर्श करने वाले राज्य, स्पर्श करने वाले राज्य। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर आपका तमिलनाडु है, ऊपर आपका आंध्र प्रदेश है, यहां पर उड़ीसा है और यहां पर कौन सा है, पश्चिम बंगाल है।
अर्थात कितने राज्य? चार राज्य। कितने राज्य? चार राज्य। पहला आपका दक्षिण से चलते हैं तो तमिलनाडु, दूसरा होगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तीसरा आपका है उड़ीसा, चौथा है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। यहां पर अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, वह है आंध्र प्रदेश। 973.9 किलोमीटर इसकी लंबाई है, अर्थात यह जो है क्या है, 973.7 है। कितना है? 973.7 किलोमीटर, अर्थात सेकंड लार्जेस्ट तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश। अगर पूर्वी तट पर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। तो यहां पर वहां पर ने देखा था कि जो असली पड़ोसी देश के साथ लग रहे थे, तो वहां पर 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लग रही थी, जबकि जली क्षेत्रों के साथ 9 राज्यों की सीमा लग रही है। कितने राज्यों की? तो 9 राज्यों की सीमा लग रही है दोस्तों। चलिए बात करते हैं तटीय सीमा विस्तार की। तटीय सीमा विस्तार की तटीय सीमा विस्तार की बात करें दोस्तों, तो भारत की 2 सीमा होगी। एक यहां जो अस्थल क्षेत्र से लग रही, अर्थात पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक, या हम राज्यों की बात करें तो गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक, यहां तक जो राज्य सीमा है वह स्थली सीमा के रूप में जानी जाएगी, स्थली सीमा। और स्थली सीमा की कुल लंबाई भारत की है 15,200 किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 15,200 किलोमीटर। जबकि यहां गुजरात से लेकर नीचे, अर्थात अरब सागर, हिंद महासागर होते हुए बंगाल की खाड़ी तक चलेंगे, कहां तक? बांग्ला, पश्चिम बंगाल तक। तो यह क्षेत्र जो जल से स्पर्श कर रहा है, इसलिए हम इसे तटीय सीमा की बात करेंगे। और यह क्या होगी? तटीय मुख्य भूमि की तटीय सीमा। क्या होगी? मुख्य भूमि की तटीय सीमा। तो ध्यान दीजिएगा, मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितना है? 6100 किलोमीटर है। कितना है? 6100 किलोमीटर। और आप जानते हैं दोस्तों कि यहां पर जो है कौन सा है, लक्षद्वीप है, और यहां पर क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अगर इनको भी हम जोड़ देते हैं, क्योंकि इनका भी जल से जो है ताल्लुकात है, और यहां पर भी तटीय सीमा होगी, जब इनको हम जोड़ देते हैं तब तटीय सीमा कितनी हो जाएगी? तो यहां हम लिख सकते हैं द्वीपों सहित कुल तटीय सीमा हो जाएगी 7516.6 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 7516.6 किलोमीटर। अब इस प्रकार से कुल सीमा का मतलब हो गया स्थलीय प्लस कुल तटीय सीमा, तो हो जाएगा 22716.6 किलोमीटर। यानी कि यह कुल किसकी है? भारत की सीमा की लंबाई है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस प्रकार से भी आपसे सवाल क्या हो सकता है, पूछा जा सकता है। इस प्रकार से क्या हो सकता है? सवाल पूछा जा सकता है। तो भारत की कुल लंबाई कितनी? तो भारत की कुल लंबाई जो है 22716.6 किलोमीटर है। अगर हम बात करें दोस्तों, यहां पर केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा नहीं बताया। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे लंबी तटीय सीमा किस केंद्र शासित प्रदेश की है, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे लंबी तटीय सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है दोस्तों? तो यह होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन होगा?
अंडमान निकोबार द्वीप समूह, द्वीप समूह ठीक है। और सबसे छोटी सीमा वाला, सबसे छोटी सीमा तटीय, सबसे छोटी तटीय सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है दोस्तों, तो दमन द्वीप है। कौन सा है? दमन द्वीप है। ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने राज्यों में बताया था, तो सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन था, तो सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य आपका गुजरात था, जबकि सबसे छोटी कौन था, गोवा था। इसी प्रकार से केंद्र शासित में सबसे बड़ा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सबसे छोटा दमन और द्वीप है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है कि भारत के हमने स्थली पड़ोसी देश देख लिए, अब हम देखते हैं जली पड़ोसी देश। कौन से? जली पड़ोसी देश। ठीक है, तो दोस्तों भारत के तीन जली पड़ोसी देश हैं। भारत के जली पड़ोसी देश, पड़ोसी देश कितने हैं? तीन हैं। कौन कौन से? पहला है श्रीलंका, श्रीलंका मालदीव, और तीसरा है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। ठीक है दोस्तों, तो जहां पर मालदीव, श्रीलंका भारत का सबसे निकट का पड़ोसी है, सबसे निकट का पड़ोसी। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के सबसे निकट का या नजदीक का पड़ोसी कौन सा है, तो श्रीलंका है। और श्रीलंका भारत से जो है पाक जल संधि से अलग होता है। किससे अलग होता है? पाक जल संधि से अलग होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि भारत से श्रीलंका, कई बार सवाल पूछा गया किससे अलग होता है, तो पाक जल संधि से। ठीक है, और यह जो मालदीप है दोस्तों, यह किसके नजदीक है? तो यह लक्षद्वीप के नजदीक है। किससे नजदीक है? लक्षद्वीप के नजदीक है। और यह जो है किससे अलग हो रहा है? तो यहाँ लक्षद्वीप का एक द्वीप है जिसका नाम है मिनिकॉय, मिनिकॉय और मालदीप के मध्य, मालदीप। यह जो है 8 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। किससे अलग होते हैं दोस्तों? 8 डिग्री चैनल से अलग होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और इंडोनेशिया किसके पड़ोस में है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के, अंडमान निकोबार, निकोबार द्वीप समूह के, द्वीप समूह के निकट का है। और इस प्रकार से भारत के जली पड़ोसी देशों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों? तो तीन हो गई। कितनी हो गई? तीन हो गई। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों अब हम लोग कि आखिर भारत की जो जली क्षेत्र है उसमें भारत का विस्तार कितना है, भारत का विस्तार कितना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम बात करेंगे खासकर दो क्षेत्रों में, एक अरब सागर और दूसरा बंगाल की खाड़ी में। यह आपका क्या है? अरब सागर है। और यह क्या है? बंगाल की खाड़ी है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप देखते हैं कोई भी क्षेत्र कटा छटा होने के कारण एक आधार रेखा तय की जाती है, और इसी आधार रेखा के आधार पर जो है समुद्री सीमाओं, सीमाएं तय की जाती हैं। तो यहां पर तीन प्रकार की सीमाएं होती हैं। पहला होता है प्रादेशिक सीमा, प्रादेशिक सीमा। दूसरा है अविच्छिन्न मंडल या क्षेत्रीय सागर। ठीक है, दूसरा कौन सा है? दूसरा है अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र, अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। और तीसरा है आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस आधार रेखा से 12 समुद्री मील,
अर्थात 12 समुद्री मील दूरी तक के क्षेत्र को हम प्रादेशिक सीमा के नाम से जानते हैं। आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? प्रादेशिक सीमा कहते हैं। यहां पर भारत क्या कर सकता है? भारत जो है यहां पर जो है उपयोग कर सकता है, चाहे वह जिस भी क्षेत्र में, चाहे वह खनन के क्षेत्र में हो या द्वीपों का निर्माण करे या कुछ भी करे, तो भारत जो है प्रादेशिक सीमा अर्थात 12 समुद्री मील दूरी तक पूरा अधिकार उपयोग करने का अधिकार इसके पास दिया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं अविच्छिन्न मंडल की। तो अविच्छिन्न मंडल इसी आधार रेखा से 24 समुद्री मील दूरी तक के क्षेत्र को हम किसके नाम से जानते हैं? हम जानते हैं अविच्छिन्न मंडल, ठीक है, या संलग्न क्षेत्र। 24 समुद्री मील दूरी तक और इस क्षेत्र में अर्थात अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र में भारत को यहां पर शुल्क वसूलने का अधिकार है और साथ ही साथ साफ सफाई का भी अधिकार है। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो है जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन, जल परिवहन होता है, किस मंडल से होता है? तो अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र से होता है। अब यहां पर बात करते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र की। तो यहां आधार रेखा से 200 समुद्री मील, कितना? 200 समुद्री मील। तो 200 समुद्री मील की दूरी के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? आर्थिक अनन्य क्षेत्र या अनन्य आर्थिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। यहां पर दोस्तों भारत को नए द्वीपों का निर्माण और जो है मिनरल एक्सप्लॉयटेशन अर्थात जो है खनिजों का दोहन करने का पूरा अधिकार है, या अंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन से इसे प्राप्त है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं कि भारत सरकार ने कुछ द्वीपों का नाम परिवर्तित किया है, कहां के? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 3 द्वीपों का नाम परिवर्तित किया गया है और भारत सरकार के द्वारा। तो अंडमान निकोबार में कौन कौन से द्वीप हैं जिनका नाम परिवर्तित किया गया है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 3 द्वीप, पहला है आपका रास द्वीप, और इस द्वीप का नाम बदल करके दोस्तों रख दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। क्या नाम रख दिया गया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, ठीक है। दूसरा है आपका हैवलॉक द्वीप, और हैवलॉक द्वीप का नाम बदल करके क्या किया गया है? स्वराज द्वीप कर दिया गया दोस्तों। और तीसरा है आपका नील द्वीप, और नील द्वीप का नाम बदल करके कर दिया गया है शहीद द्वीप। क्या कर दिया गया दोस्तों? शहीद द्वीप कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि भारत सरकार ने इन 3 द्वीपों का, रास द्वीप, हैवलॉक द्वीप और नील द्वीप का नाम परिवर्तित कर दिया है, और परिवर्तित करके इनका जो है क्या किया है, नया नाम रास द्वीप का नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, हैवलॉक द्वीप का स्वराज द्वीप और नील द्वीप का शहीद द्वीप कर दिया है दोस्तों। अब यहां पर एक आपको मजेदार बात बताते हैं कि भारत का कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमा अरब सागर के साथ साथ बंगाल की खाड़ी से भी लगती है। बहुत मजेदार बात है दोस्तों, थोड़ा सा कंसंट्रेट होइए और समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है, आइए आइए देखते हैं। यहां पर जो केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों वह है पुदुचेरी। कौन सा है? पुदुचेरी। पुदुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमा अरब सागर के साथ साथ बंगाल की खाड़ी को भी स्पर्श करती है। बंगाल की खाड़ी को कैसे करती है? मैप की सहायता से देखने का प्रयास करते हैं।
यह है दोस्तों आपका केरल। केरल में एक डिस्ट्रिक्ट है माहे, कौन सा है? माहे। और माहे किसका भाग है? पुदुचेरी का भाग है। किसका भाग है? पुदुचेरी का भाग है। यही तमिलनाडु में एक जिला है कायकर, कराईकल। कराईकल और दूसरा जिला इसी के ऊपर है पुदुचेरी, पुदुचेरी। और यह भी किसके भाग है? दोनों पुदुचेरी के। आंध्र प्रदेश में यहां पर एक जिला है यनम। यह चार जिले हैं और चारों जो है तीन राज्यों में स्थित हैं। इसलिए दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमा दोनों क्षेत्रों को स्पर्श करती है, खासकर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, तो पुदुचेरी होगा। कौन सा होगा? पुदुचेरी होगा। दोस्तों इसी के साथ यह चैप्टर आपका समाप्त होता है। हम जो है अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।